मेरी इस बात पे तो तुम एग्री करोगे कि जिस दिन से एल्विस की मम्मी को दिखाया सलमान खान ने, उसके बाद एल्विस ने अपना गेम बिल्कुल बदल दिया। ना ज्यादा इन्वॉल्व करते, ना लड़ाई झगड़े करते, अपने आप में ही गुमसुम रहने लग गए हैं। वो एल्विस नहीं दिख रहा जो आते ही सिस्टम करने लग गया था। एक तो सलमान खान की बड़ी गंदी हरकत थी, दूसरी बात ये कि अब सिस्टम इज बैक। एल्विस भाई ने लड़ाई कर दी है अविनाश के साथ, एंड दिस इज द बिगेस्ट। जहां पर एल्विस ने देखो बहुत सारी ऐसे बोला है कि भाई तेरा बाप बेवकूफ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरे जैसे 40 खरीद लूं 50 खरीद लूं, लेकिन इस बार एल्विस ने भाई साहब जो बोला है ना कि आया है स्वाद आ गया कि यहीं सिर मार के छाती फाड़ दूंगा तेरी। और भाई साहब एक बहुत तगड़ी वार्निंग दी थी कि बाहर जाने के बाद ऐसे नीचे बैठेगा, कदमों में बैठेगा तू मेरे। और भाई बता दूं सच्चाई की बात, एल्विस ऐसा नहीं देगा, बस हरियाणा में नहीं मुंबई जाके कर देगा ये सेम चीज। बहुत भयंकर चीज है। और घर वाले ना अभी हल्के में ले रहे हैं कि भाई ये तो एक बच्चा सा है 24-25 साल का, बोलता बोलता है करता कुछ नहीं। भाई इसके सिस्टम का आप लोगों को पता नहीं, एक बार विजिट करो हरियाणा जाके देखो, और जीतने के बाद जब एल्विस आएंगे तो फिर देख लेना, गूगल मैप लाल नहीं कर दे तो बंदा। एंड देयर वन मोर थिंग, बहुत सारी थ्योरी ऐसे भी बोल रही है कि एल्विस की बजाय फुकरा इंसान जीत सकता है, क्योंकि एल्विस गेम प्ले नहीं कर रहा है और पब्लिक जो है वो फुकरा को ज्यादा प्यार करी क्योंकि वो गेम अच्छा खेल रहा है। तो मैं आपको बता दूं भाई, जब वोट आएंगे ना तब देखना। बाकी आप खुद समझदार है, मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।